बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से जो वजीफा शेयर करूँगी वो उन बहनों और भाइयों के लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो रिश्तों के ना आने की वजह से परेशान है। उम्रें बढ़ती जा रही हैं और ना तो रिश्ता आता ही नहीं है या फिर आता है और बात नहीं बनती। कोई भी ऐसा मसला, कोई भी रिश्तों के हवाले से, शादी के हवाले से या पसंद की शादी के को लेके कोई भी परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, उसे दूर करने के लिए और रिश्तों की लाइनें लगवाने के लिए आज का अमल बहुत ही खास, बहुत ही उम्दा और नायाब है और बारहा का आजमाया हुआ अमल है। जिन लोगों ने किया उन्हें फ़ायदा पहुँचा। आप भी अगर पूरे यकीन के साथ करेंगे जो जो करना चाहे तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। ये ऐसा ग्रांटेड और पावरफुल अमल है जो आज आपसे मैं शेयर करूंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल पे जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियां जिन वो घिरे हुए हैं तो अल्लाह ताला उनको निजात दिलाए, हमारे लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो जो जायज़ हाजत है तो अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो आप लोग मुझे स्पेशल खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह वाकफ है आपकी दुआओं से, आपकी हाजात से, आपकी दिली ख्वाहिशात से। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वो तमाम जायज़ हाजात जिनके लिए आप दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, वजीफ़ा बताने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि कोई भी वजीफ़ा तब कामयाब होता है जब आप पूरे यकीन के साथ करें, दिल में बग़ैर शक रखें और नमाज की पाबंदी, पांच वक्त की नमाज की पाबंदी जब आप मुकम्मल तरीके से सही तरीके से करेंगे, यानी नमाज की अदायगी में तहारत का, रुकू का और सजूद का ख्याल रखेंगे, आराम आराम से निहायत खुशू और खजू के साथ नमाज अदा करेंगे तो फिर ही नमाज भी कबूल होगी और फिर जब कोई दुआ मांगेंगे या कोई वजीफा करेंगे फिर वो भी लाजमी कबूल होगा। इसलिए पांच वक्त की नमाज की सही तरीके से अदायगी करें और अव्वल वक्त पे यानी के फौरन जो उसका नमाज का टाइम है उसको उस टाइम पर अदा कर लें। और दूसरा इस बात का ख्याल रखें कि सदका खैरात लाजमी करें और अस्तगफार और दुरूद शरीफ की कसरत करें, यानी कि इनका वर्द अपनी जुबान पर रखें, उठते बैठते चलते फिरते खाते खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, कोई भी आप काम करें आप दुरूद शरीफ और अस्तगफार वर्द अपनी जुबान पर रखें। इंशाल्लाह ताला ये इतने पावरफुल अमल है, इनको करने से ही आपकी जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो जाएंगी, इंशाल्लाह, आमीन। तो वजीफे का तरीका, टाइम और जो भी इसकी शराइत थी वो तो मैंने आपको बता दी है। अब टाइम और वजीफा क्या करना है, बहुत ही आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इसको तब तक जारी रखना है आपने जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता, क्योंकि सात दिन जब आप इसको लगातार करेंगे तो सात दिन के अंदर अंदर रिश्तों की लाइनें तो लग जाएंगी। लेकिन अगर कोई पसंद की शादी की नीयत से करना चाहता है तो वो इसको तब तक जारी रखें जब तक उसकी पसंद की जगह से उसका पैगाम ना आ जाए, ठीक है ना। अगर तो वैसे ही आप शादी के लिए कर रहे हैं फिर तो सात दिन का ही अमल है तो इंशाल्लाह ताला सात दिन के अंदर अंदर ऐसी लाइनें लग जाएंगी कि आप अच्छी जगह पर रिश्ता हो भी जाएगा और आप खुद यानी कि सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा, इतने रिश्ते जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी। और अगर कोई पसंद के लिए करना चाहता है किसी खास और मखसूस जगह के लिए तो वो इसे तब तक जारी रखे इस अमल को जब तक उस जगह से आपका पैगाम जो है वो नहीं आ जाता। तो अब आपने पढ़ना क्या है, कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह है, सूरह इखलास, इसको पढ़ना है और ज्यादा तादाद भी नहीं है। ईशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है, जिस वक्त आप सोने लगे उस टाइम आपने इस अमल को करना है और बेशक आप इसे बिस्तर पे बैठकर भी कर सकते हैं, अगर आपको आपका बिस्तर पाक साफ है
तो आप उस जगह बैठकर भी इस अमल को कर सकते हैं, और अगर जानमाज पर बैठ के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस अमल में ख़ास बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद आपने सो जाना है, फिर किसी से बात नहीं करनी है उसके बाद, ठीक है। इसलिए इसको इस टाइम पे करें जब आप बिल्कुल सोने के लिए रेडी हो। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है, फौरन करके उसके बाद सो जाएं। सूरह इख़लास को किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है वो नोट कर लें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा आपने वजीफे के शुरू में और एंड में पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इख़लास को पढ़ना है, और इसकी जो तादाद है वो 26 है, यानी 26 मरतबा आपने सूरह इख़लास पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और जब आपकी 26 बार सूरह इख़लास कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद अल्लाह का एक नाम या वकीलू, वकील अल्लाह का नाम है, इसको इस तरह से या वकीलू या वकीलू या वकीलू इस तरीके से आपने पढ़ना है, और इसकी जो तादाद है वो 66 यानी 66 मरतबा 66 टाइम आपने अल्लाह के इस नाम का विर्द करना है, और फिर उसके बाद सजदे में चले जाए या जैसे भी आपको दुआ मांगनी है आपने, ठीक है। अब दुआ जो है वो इतनी आजी के साथ, इतनी यानी शिद्दत के साथ, तड़प के साथ, रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे, अपनी कबूलियत करवा ही लें उसी टाइम, इस तरीके से दुआ मांगे। और जब दुआ कबूल होती है या अल्लाह से रब्ता जुड़ता है तो हमारे दिल की कैफियत अपने आप ही चेंज हो जाती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और हमें महसूस होता है कि हम अपने रब से डायरेक्ट हम कलाम है, हमारा रब हमें सुन रहा है, हम अपने रब से डायरेक्ट हम कलाम है, दिल की कैफियत चेंज हो जाती है, तो समझे दुआ भी कबूल हो। ऐसी कैफियत होनी चाहिए जब आप दुआ मांग रहे हो, ऐसी कैफियत जब पैदा हो जाए आपके अंदर तो फिर आप उस लम्हे दुआ जरूर मांगे, चाहे वो वजीफे के दौरान हो चाहे वो वजीफे के बाद हो। ये कैफियत ऐसी है कि इस लम्हे मांगी हुई दुआ लाजमी कबूल होती है, वो आपको ख़ुद भी महसूस हो जाएगा जब आपके दिल की कैफियत ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल आप अपने रब से जुड़ चुके हैं, इर्द गिर्द से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपके पास सवाए आपके और आपके रब के और कोई है ही नहीं, इर्द गिर्द से बिल्कुल आप गाफिल हो जाएंगे, तो फिर उस लम्हे की मांगी दुआ लाजमी कबूल होती है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को आप जारी रखें, 7 दिन लाजमी करें, 7 दिन के बाद भी अगर आप जारी रखना चाहें जब तक आपका रिश्ता अच्छी जगह पर तय नहीं हो जाता। लाइनें ज़रूर लग जाएंगी, ये तो गारंटेड है, ये तो इस वजीफे के साथ शर्त बताई गई कि ये शर्त है कि लाजमी इस अमल को करने से आपके रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपके लिए ख़ुद से ये मुश्किल हो जाएगा कि अब कहाँ किया जाए रिश्ता, तो उसके तय होने तक आप इस वजीफे को जारी रख सकते हैं। और अगर आपके लिए आपके वालदैन में से कोई अमल कर रहा है तो वो करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जिसने शादी करनी है वो अगर ख़ुद ये अमल करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंशाल्लाह एक नए वजीफे के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना और अपनों का ढेरा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।